हाय दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आपको स्वागत है। अजूर डेटा फैक्ट्री के पांचवे वीडियो में आज हम सीखेंगे कि डेटा सेट क्या होता है। ठीक है, डेटा सेट क्या होता है और डेमो क्रिएशन ऑफ द डेटा सेट, कैसे हम डेटा सेट क्रिएट करेंगे ऑन पोर्टल से। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है, ये दोनों आज हम सीखेंगे। सबसे पहले डेटा सेट क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि डेटा सेट रिप्रेजेंट डेटा स्ट्रक्चर विद इन द डेटा स्टोर। आपका जो भी डेटा भी स्टोर होता है किसी भी लोकेशन पे, उसका आपका डेटा का स्ट्रक्चर क्या होता है, वही आपका रिप्रेजेंट करता है, डेटा का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है डेटा सेट। ओके, जो सिंपली पॉइंट द डेटा यू वांट टू यूज इन योर एक्टिविटी एज ए इनपुट या आउटपुट। जो भी रिप्रेजेंट करता है आपकी स्टोर है, उसके बाद जो आपके एक्टिविटी क्या होती है उसी सेम आपके स्ट्रक्चर को आपको इनपुट या आउटपुट एक्टिविटी के लिए आपका यूज करता है। ठीक है, इसका हम आगे जब वीडियो में दिखाएंगे, वीडियो करेंगे हम, इस वीडियो में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कैसे एक मतलब आपको रहना है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि डेटा सेट क्या करता है कि आपका जो भी डेटा स्टोर है किसी लोकेशन पे उसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रक्चर मतलब होता है कोई भी, जैसे आपका डेटा है तो उसमें क्या होगा, जैसे मतलब नंबर ऑफ कॉलम, जो कॉलम्स होते हैं, जैसे एम्प्लॉई हो गया, एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई आई डी हो गया, एम्प्लॉई आपका नाम होगा, एम्प्लॉई मोबाइल नंबर होगा, और आपका कि एम्प्लॉय सैलरी होगा, तो इसका जो कॉलम होगा कॉलम का टाइप क्या है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, जो भी है उसका मतलब हम इसके बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब इस डेटा स्ट्रक्चर होता है। दूसरा सिंपल सा है कि जैसे हमने बोला कि एक्टिविटी डेटा सेट यूज करती है इनपुट या आउटपुट के लिए। तो सेकेंड कंसेप्ट ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्टिविटी जो है कि डेटा सेट यूज करे ही करे, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जीरो एक्टिविटी, जीरो डेटा सेट यूज करे एक्टिविटी, या एक से अधिक भी डेटा सेट यूज कर सकती है इनपुट के लिए, सेम आउटपुट के लिए भी है। एक्टिविटी जीरो भी यूज कर सकती है और एक से अधिक डेटा सेट को यूज कर सकती है। ठीक है, तो अभी मतलब हमारा कंसेप्ट यह है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो करते हैं, तो अभी हम काम जो एग्जांपल जो हम डेटा सेट क्रिएट करेंगे, इसमें हम मतलब कि एक ब्लॉब स्टोरेज के डेटा सेट क्रिएट करेंगे, दूसरा हम अजूर एसक्यूएल के डेटा सेट क्रिएट करेंगे। दो को हम डेटा सेट क्रिएट करते हैं कि इसमें क्या होगा, हमारा सोर्स जो हमारा होगा ब्लॉब स्टोरेज होगा, डेस्टिनेशन जो हमारा होगा वो अजूर एसक्यूएल होगा। ठीक है, इसके बेस पे हम दो डेटा सेट क्रिएट करते हैं आगे हम। ठीक है, सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि हमने डेटा सेट अरेज क्रिएटेड है, देख लीजिए आप, तो इसमें यही है, सिंपल है कि एक अजूर एसक्यूएल है, उसमें एक टेबल है एम्प्लॉय के अंदर जो भी कॉलम्स हैं सभी कॉलम आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि एम्प्लॉय आई डी हो गया, इंटीजर हो गया, एम्प्लॉय कोड हो गया, वर्कर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल है, सब आपकी स्ट्रिंग है, क्रिएटेड डेट आपका डेट टाइम है, तो ये आपका डेटा सेट हो गया जो आपका रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चलिए हम वेट न करके हम डेटा सेट को लाइव डेमो हम क्रिएट करते हैं कैसे करना है। तो हम क्या करते हैं, दो डेटा सेट हमें क्रिएट करना है। फर्स्ट आपका है कि अजूर ब्लॉब स्टोरेज, ठीक है, दूसरा आपका है अजूर एसक्यूएल डेटा सेट। दो डेटा सेट अभी हमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं पोर्टल पे, ये हमारा पोर्टल है। ठीक है, तो अभी आप देख लीजिए हमारे पास जो सोर्स है हमारा अजूर ब्लॉब स्टोरेज का, हमें क्या करना है कि इसी का क्रिएट करना है कंटेनर। कंटेनर के अंदर आप जाएंगे, इनपुट डेटा सेट, ये एम्प्लॉय है। ठीक है, इसी CSV फाइल के डेटा सेट हमें क्रिएट करना है। तो अब इसमें आप अभी देखेंगे जो आपका डेटा है, देख लीजिए आपका ये डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको प्रीव्यू में देखेंगे तो आप इस तरह वो दिखाई देगा। ठीक है, तो हमें अब क्रिएट करना है। देखिए, पहला कॉलम जो होता है हमेशा इसमें आपका हेडर होता है। हेडर मतलब आपका कॉलम नहीं होता है, पहला रो जो होता है। ठीक है, इसका यूज आगे अभी हमें आएगा, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए हम क्रिएट करते हैं इसका, हम डेटा सेट क्रिएट करते हैं। तो हम पहले हम जाएंगे डेटा फैक्ट्री में जाएंगे, ये हमारा डेटा फैक्ट्री है, इसके अंदर हमें डेटा सेट क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पर लॉन्च स्टूडियो करेंगे आप, तो न्यू टैब खुल के आएगा आपका, ये ओपन हो रहा है न्यू टैब। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेगा, ये आई होप ये खुल गया। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसे ज़रूरत नहीं अभी। ठीक है, ये आपका होम पेज है। ठीक है, होम पेज है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा भाई, ठीक है, ADF के बारे में कुछ दिखेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑथर या पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपको न्यू विंडो खुल के आएगा। इसके अंदर आप देखेंगे पाइपलाइन, क्या पाइपलाइन आपको क्रिएट कर सकते हैं, आप डेटा सेट क्रिएट कर सकते हैं, चेंज डेटा कैप्चर भी क्रिएट कर सकते हैं जिसे CDC बोलते हैं। ठीक है, डेटा फ्लो क्रिएट कर सकते हैं, पावर क्वेरी। ठीक है,
तो अभी के लिए हमें क्या करना है, डेटा सेट क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, डेटा सेट पे जाते हैं। डेटा सेट पे आप जाएंगे तो यहाँ पर तीन डॉट हैं, तीन डॉट पे यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर जाएंगे आप यहाँ से भी डेटा सेट क्रिएट कर सकते हैं, दोनों जगह डेटा सेट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर देते हैं, तीन डॉट है, इस पर क्लिक करें आप, न्यू डेटा सेट, ठीक है। तो अब अभी जब आप डेटा सेट न्यू डेटा सेट क्रिएट करेंगे तो आप देख लीजिए माइक्रोसॉफ्ट जो होता है मल्टीपल डेटा सेट सपोर्ट करता है, मल्टीपल सोर्स सपोर्ट करता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर मोर देन 100 जो है, आई थिंक मोर देन 65 ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए जिसे आपका मतलब कि कैटेगरी वाइज भी इसने माइक्रोसॉफ्ट ने कर रखा है कि ए अजोर का है, ठीक है, ब्लॉब स्टोरेज हो गया, कॉस्मोस डीबी हो गया, ठीक है, आपका ADLS Gen 2 हो गया, फिर आपका डेटा, फिर डेटाबेस देख लीजिए आप कि आपका अमेजोन भी सपोर्ट करता है, आपका DB2 बिग क्वेरी गूगल का सपोर्ट करता है, ऐसा करके आप मतलब कि लॉट ऑफ सोर्स सपोर्ट करता है। फाइल सिस्टम में आप देख लीजिए आप यहाँ पर सपोर्ट करता है, देख लीजिए अमेजोन S3 हो गया, FTP हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप HDFS हो गया आपका, ओके। तो यहाँ पर HTTP आपका है तो सपोर्ट करता है, NoSQL आपको सपोर्ट करता है, ठीक है। ये आपका मतलब कि साइज सर्विस कोई भी प्रोग्राम है तो वो भी आपका सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, अजोर पहला हमारा जो है अजोर ब्लॉब स्टोरेज डेटा सेट हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो पहले इस पर क्लिक करते हैं। अब इसमें आप जब जाएंगे हम ब्लॉब स्टोरेज में तो इसे बताना पड़ेगा भाई आपके ब्लॉब कंटेनर के अंदर कौन सी फाइल पड़ी हुई है, क्योंकि कंटेनर के अंदर मल्टीपल फाइल सपोर्ट करता है तो फाइल टाइप बताना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आपका AVR है, बाइनरी है, टेक्स्ट डेलिमिटर या CSV है, एक्सेल है, JSON है, ORC है, पार्केट फाइल है, XML है, आपको टाइप तो बताना ही पड़ेगा आपको। तो हमारे पास अभी CSV है तो हम CSV क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ पर डेटा सेट का नाम दीजिए, डाल दीजिए आप, TS मैंने डाल दिया, ये हमारा एम्प्लॉय है तो हम डाल देते हैं एम्प्लॉय डाल दिया हमने, यहाँ पर डाल दिए सोर्स, फिर यहाँ पर आप डाल दीजिए अजोर ब्लॉब, डाल दीजिए ब्लॉब स्टोरेज, ठीक है। आप सिंपली आप नाम दे दीजिए, नेमिंग कन्वेंशन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं एज पर योर स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि लिंक सर्विस सिलेक्ट करना है, अगर मैं आपका नहीं है नया लिंक सर्विस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने कल एक लिंक सर्विस क्रिएट किया था, प्रीवियस वीडियो में हमने लिंक सर्विस क्रिएट किया था, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा, लिंक सर्विस आपको नहीं क्लियर है तो, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपको ये आएगा, आपका लोकेशन पूछेगा कि भाई इस स्टोरेज के अंदर आपका फाइल कहाँ पर पड़ी हुई है, किस कंटेनर में है, डायरेक्टरी में, कंटेनर के अंदर फोल्डर बनते हैं वो डायरेक्टरी होती है या फाइल नेम, आप ये डिटेल बताइए आप, ठीक है। तो आप कंटेनर आप यहाँ पर बता सकते हैं, लिख सकते हैं, डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, या कंटेनर मतलब होता है कि आप सिंपल जाइए आप, ठीक है, ब्लॉब स्टोरेज में जाएंगे आप, ये आपका कंटेनर नेम है, देखिए ये आपका कंटेनर नेम है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कंटेनर में या तो टाइप कर दीजिए या आप यहाँ पर ब्राउज कर लीजिए, ब्राउज करेंगे देखिए कंटेनर नेम यहाँ पर आ गया, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओके, ठीक है। आपका फर्स्ट रो एज ए हेडर मैंने बताया था ना, पहला रो आपका हेडर है तो ये आपको ये पूछ रहा है कि नहीं है। तो हमारे केस में अब देखेंगे आप जो फाइल है, यहाँ पर जाएंगे आप एडिट पर जाएंगे, देखिए पहला रो हमारा हेडर है तो इसको चेक कर दीजिए, हाँ भाई इसे बताइए, हाँ पहला रो हमारा हेडर ही है, इस पर आप और उसके बाद आप यहाँ से इस पर अंदर जाएंगे, फाइल को आप सिलेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। ये आपका मतलब कि आपका एडिटर हो गया, ये फाइल हो गया, ठीक है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। जब ओके करेंगे देखिए आपका एक डेटा सेट क्रिएट हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर जाएंगे डेटा सेट आपको क्रिएटेड मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसके अंदर आप डेटा सेट के अंदर आप जाएंगे तो ये आपका कुछ प्रॉपर्टी ही आपको शो करेगा, देख लीजिए आप लिंक सर्विसेज कौन सा आपने यूज किया हुआ है, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टेस्ट कनेक्शन करेंगे देखिए कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका फाइल पाथ क्या है, मतलब कंटेनर नेम ये हो गया आपका, ठीक है, हमें डायरेक्टरी कोई नहीं है तो फाइल नेम क्या है, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। और उसके बाद आपका कंप्रेस टाइप हमारे पास कुछ नहीं, डेलिमिटेड आपका कामा है, कभी कभी पाइप होता है, TSB होता है, ठीक है, जो भी होता है डेलिमिटर होता है, रो डेलिमिटर आपका है। ब्राउज कर सकते हैं आप डायरेक्टली, यहाँ भी ब्राउज कर सकते हैं या डेटा को आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं कि आपका डेटा आपका कैसा शो हो रहा है, आपका जो सोर्स पे डेटा है वो कैसा शो हो रहा है आपका, ठीक है। देख लीजिए आपका ये पहला आपका
कॉलम नेम है, फिर आपका ये डेटा पड़े हुए हैं, ठीक है, इसको हमने क्लिक कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा डेटा आपका क्रिएट हो गया। स्कीमा के अंदर जाएंगे तो आप देख लीजिए ऑटोमेटिक जो है आपके सभी डेटा जो है आपके कॉलम नाम के यहाँ पर आपके क्रिएटेड हैं, क्योंकि हम सीएसवी फाइल यूज़ करते हैं। सीएसवी फाइल में या तो जितने भी कॉलम होंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो स्ट्रिंग ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखिए मतलब कि डेटा सेटअप क्रिएटेड है, ओके। फर्स्ट डेटा बेस डेटा सेट ई क्रिएटेड, आप देखेंगे इसको हमने क्रिएट कर दिया। दूसरा हम क्रिएट करते हैं अजोर एसक्यूएल डेटा सेट क्रिएट करते हैं, तो इसके जाते हैं फिर हम वही सेम प्रोसेस, इस पर जाएंगे न्यू डेटा सेट, ठीक है। यहाँ पर सेम अजोर पे जाएंगे आप, ठीक है। अजोर के अंदर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए डेटा सेट, यहाँ देखिए यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आप टाइप भी कर सकते हैं, जैसे आपने दे दिया अजोर एसक्यूएल, ठीक है। आप यहाँ ओके किया, आपने यहाँ पर आप नाम डाल दीजिए डेटा सेट का नाम डाल दीजिए, डीएस डाल दिया, डेस्टिनेशन एम्प्लॉय डाल दिया अजोर एसक्यूएल, ओके। फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए आपका लिंक सर्विसेज सेलेक्ट कर लीजिए जो हमने प्रीवियसली क्रिएट किया था प्रीवियस वीडियो में, ओके। फिर आप मतलब यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आपका टेबल नेम क्या है, क्योंकि अब आप जब सीक्वल डेटाबेस में जाएंगे रिलेशनल डेटाबेस में, वहाँ पर आपका टेबल क्रिएट होता है, टेबल आपका कौन सा है फिर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है टेबल नेम अगर मैं नहीं पॉपुलेट हो रहा है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जाके इस पर एडिट क्लिक करिए, यहाँ पर अपना यहाँ पर स्कीमा नेम, यहाँ पर आपका टेबल नेम है, यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए आप सिंपली, ओके। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए आपका दूसरा डेटा सेट आपका क्रिएटेड हो गया है आपका, यहाँ पर जाएंगे देखेंगे सेम आपका डेटाबेस आपका क्रिएटेड है, ये आपका लिंक सर्विसेज है, कनेक्शन भी आप टेस्ट कर सकते हैं कि देखिए है, ठीक है। आप यहाँ पर डेटा प्रीव्यू कर सकते हैं कि इसमें कुछ डेटा अवेलेबल है कि नहीं, अभी देखिए इसमें सिर्फ कॉलम नेम आ रहा है, कुछ डेटा इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप स्कीमा पर जाएंगे डेटा सेट का स्कीमा क्या है आपका, आप देख लीजिए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है डेटा सेट का, स्ट्रक्चर्ड क्या है, तो आप सिंपली देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी इंटीजर है, नेम मोबाइल नंबर और सिटी, ये तीनों आपके वर्कर है, दैट मीन्स कि स्ट्रिंग है, ठीक है। ये आपका डेटा सेट का क्रिएशन है, ठीक है। तो हमारा ये दूसरा भी डेटा सेट आपका क्रिएटेड हो गया, डन, ओके। ये आपका डेटा सेट का क्रिएशन है। अब इस डेटा सेट को हमें यूज कैसे करना है हम आगे के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई लोग, थोड़ा सा सब्सक्राइब करो यार, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो यार।